हेलो जी नमस्ते। आज लेकर आई हूँ मैं न्यू पकौड़ा रेसिपी। और पकौड़ा बनाने के लिए मैंने सबसे पहली भिंडी ले ली है। और ये भिंडी 150 ग्राम भिंडी है। और साफ पानी से धोकर इसको मैं कपड़े से पोंछ लिया, सुखा लिया अच्छे से। और इसके इस तरीके से हम ये डंठल हटा देंगे। ये देखो इस तरीके से मैंने हटा दिया दोनों साइड के डंठल और साफ कर लिया अच्छे से। और इसको अभी हम काट लेंगे इस तरीके से ऐसे। आप इस तरीके से लंबा लंबा ही काटना जी। हम इस तरीके से बीच में चीरा लगा लेंगे और फिर इसको इस तरीके से बारीक बारीक काट लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना जी और शेयर जरूर करना अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना जी ताकि मेरी न्यू रेसिपी सबसे पहले आपको मिले। तो इस तरीके से हम सारी भिंडियों को काट लेंगे। ये देखो इस तरीके से काट लिया मैंने। अभी मैं इसमें 2 हरी मिर्ची डाल रही हूँ। ये नॉर्मल हरी मिर्ची है, ज़्यादा तीखी वाली नहीं है। मिर्ची को हम इसी तरीके से छोटे छोटे बारीक बारीक काट लेंगे। इन मिर्ची को भी काट लिया इस तरीके से बारीक बारीक। और इसमें हम डालेंगे 2 प्याज। ये मैंने 2 छोटे छोटे प्याज ले लिए। इसको भी मैं इस तरीके से बारीक बारीक काट के डाल दूंगी इसी में। ये काट लिए मैंने प्याज। और इसमें हम डालेंगे सबसे पहले थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ मीठा सोडा ताकि पकौड़े थोड़े फूले फूले और क्रिस्पी बने। और इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी हींग और ये नमक डाल दिया मैंने। और ये मैंने सादा नमक नहीं लिया, ये काला नमक है। आप काला नमक ही डालना ताकि अच्छे बनेंगे। अगर ना हो तो आप सादा वाला नमक भी डाल सकते हो। और ये 3 चम्मच मैंने बेसन ले लिए इसे। ये देखो और थोड़ी सी हल्दी पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इस तरीके से सबको। इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा नींबू। ये भिंडी है ना इसीलिए नींबू डाल रही हूँ मैं, ताकि इसकी थोड़ी लाल, वो चिपकने वाली जो लाल होती है ना, वो थोड़ी कम हो जाएगी इसको डालने से और टेस्ट भी अच्छा बनेगा इससे। तो इस तरीके से हम तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। और फिर अभी मैं हाथ से कर रही हूँ, चम्मच से इतना अच्छे से नहीं हो रहा। इस तरीके से आप सारे को मिक्स कर लीजिएगा और फिर थोड़ा सा पानी डालकर फिर आप फिर से और मिक्स कर लेना। पानी एक साथ नहीं डालना।
थोड़ा थोड़ा करके ही डालना पानी को। ये देखो मैंने बस इतना ही पानी डाला था। इस तरीके से बनाना है जी, इससे ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए इसमें, नहीं तो फिर पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे हमारे। इस तरीके से ही मिक्सर को बनाना है। आप बनाकर इस तरीके से छोटे छोटे बॉल बनाकर रख सकते हो, उसके बाद फ्राई कर सकते हो, या फिर ताज़ा ताज़ा ही बनाकर डालो डायरेक्ट कढ़ाई में। तो मैं इस तरीके से बनाकर बता रही हूँ आपको। तो इधर मैंने गैस को चला दिया और इस पर रख दी कढ़ाई, और तेल हो गया हमारा गरम। ये चार बॉल बना ली मैंने छोटी छोटी, इसको करूँगी मैं सबसे पहली फ्राई। इस तरीके से तेल हो गया फुल गरम और अभी गैस फुल कर रखा मैंने। जैसे मैं ये पकौड़े डाल दूँगी उसके बाद मैं गैस को जीरो पर कर दूँगी, मीडियम कर दूँगी। फिर मीडियम गैस पर हम इसको अच्छे से पका लेंगे। और ये मैंने ज़्यादा बड़ी बॉल नहीं बनाई, छोटी छोटी सी बनाई, जैसे हमारी कंची नहीं होती उतनी, ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाएगी भिंडी वगैरह सारे। अभी मैंने गैस को मीडियम कर दिया और मीडियम गैस पर ही पकाना है इसको। जब आप पकौड़े डाल दो उसके बाद गैस को मीडियम कर देना। फिर इसको इस तरीके से पकाना है जी, पलट पलट करें तेल के अंदर। ये देखो ये गैस को बिल्कुल जीरो कर रखा है और जीरो गैस पर ही पक रहे हैं ये। कितना अच्छा कलर आया और बहुत ही स्वादिष्ट बने। ज़रूर बनाकर आप बताना मुझे कैसे बने आपके वहाँ पर। यह हमारे तो बहुत ही अच्छे से बने और मैं तो अक्सर बनाती रहती हूँ। जो मुझे रेसिपी आती है वही मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी जी। तेल को मैं फिर से कर लिया गरम और फिर से मैं डाल रही हूँ इसमें इस तरीके से छोटे छोटे बॉल बेसन और भिंडी के। अभी मैंने गैस को फुल कर रखा इस टाइम पे। जैसे मैं इसको डाल दूंगी उसके बाद मैं गैस को जीरो पर जीरो और मीडियम के बीच कर दूंगी। इनको भी अच्छी तरीके से अच्छे से फ्राई कर लेंगे, पका लेंगे इसको भी। कितना अच्छा कलर आई और बहुत ही क्रिस्पी भी बने, बहुत ही टेस्टी बने। आप चाहो तो चाय सॉस किसी के भी साथ खा सकते हो, बहुत ही अच्छे बनेंगे। एक बार जब ट्राई करोगे तभी पता चलेगा कैसे बनते हैं या नहीं बने। ये देखो, चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टाटा बाय बाय।